Welcome to Bind EduTech, and in this class we are going to continue to discuss some of the important multiple choice type questions from the chapter Going Places. हम लोग अभी तक 16 questions देखे थे और 17 से शुरू करना है इसमें. क्वेश्चन है नंबर 17. व्हाई डज जैंसी डिस्करेज सोफी टू ड्रीम बिग. ये तो स्टोरी में हम लोगों को बताया गया कि जैंसी हमेशा डिस्करेज करती थी उसको, और हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी ये डिस्करेज वर्ड यूज़ किया है, और मैंने बताया है कि डिस्करेज का मतलब है यहाँ पर हतोत्साहित करना नहीं है, है ना. डिस्करेज का यहाँ मतलब समझाना है, ठीक है, समझाना. तो क्वेश्चन है, जैंसी सोफी को क्यों समझाती थी कि बड़े बड़े ड्रीम्स मत देखो. ये वो समझाती थी उसको, मना करती थी. तो क्यों मना करती थी बड़े ड्रीम्स देखने के लिए. ऑप्शन देखो. पहला, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. बड़ा सपना देखने के लिए इसलिए मना करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए. थोड़ा थोड़ा सही लगता है आंसर. आगे बढ़ेंगे बी में. बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. बी में जब आएंगे तो फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न होना शुरू होगा कि ये भी सही लग रहा था और फिर ये भी एकदम सही लग रहा है आंसर. मतलब ये है कि जैंसी जो है वो सोफ़ी को समझाती थी, पैसों के बारे में भी बोली है एक्सप्लेनेशन में कि अ लॉट ऑफ मनी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. तो हाँ, ये तो समझाती थी. वो ये भी बोली है कि प्रैक्टिकल रहना चाहिए तुमको, ये भी समझाई है. और ये है, बिकॉज इट इज अनरियलिस्टिक. क्योंकि जो ड्रीम्स सोफी देखती थी, बिग ड्रीम्स, वो ड्रीम्स अनरियलिस्टिक ड्रीम्स थे. इसीलिए क्या जैंसी उसको मना करती थी, समझाती थी ऐसे ड्रीम्स नहीं देखने के लिए. या डी ऑप्शन है, ऑल दीज या ऑल ऑफ द अबव. तो आप समझ जाइए कि आपको क्या चुनना चाहिए. जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे वो लोग समझ जाएंगे कि ये सब चीज़ वो सही था, इसीलिए वो बोलती थी उसको बड़ा सपना नहीं देखने के लिए, इसीलिए डिस्करेज करती थी. ये तीनों लिखी हुई बातें सही हैं. डिस्करेज करने का कारण ये तीन हैं. बहुत पैसा चाहिए, ये भी कारण है. वो प्रैक्टिकल नहीं है जो वो सोच रही है, वो भी कारण है. और जो वो ड्रीम सोच रही है वो अनरियलिस्टिक है, ये भी सही वजह है मना करने के लिए. तो आंसर जो चुनेंगे वो होगा ऑल दीज, या लिखा रहता है ऑल ऑफ द अबव. ये सब जो है वो सब रीजंस हैं कि सोफी को क्यों समझाते रहती थी जैंसी. बस समझाने के लिए डिस्करेज वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 18.
What does Sophie tell to Jancy while returning home? एकदम कहानी के बिगिनिंग में जब वो लोग स्कूल से रिटर्न हो रहे थे घर की ओर, तब उस समय सोफी ने जैंसी को क्या बताया, मतलब जो कन्वर्सेशन हो रहा था उसमें क्या बताया? ऑप्शन ए, दैट शी विल गो डोर टू कलेक्ट मनी। सोफी ने बताया कि वो घर घर जा करके पैसा इकट्ठा करेगी, बहुत सारा पैसा घर घर जा करके। ऑप्शन बी, शी विल ओपन अ ब्यूटीक। सोफी जो है वो जैंसी को ये बताई कि वो अपना ब्यूटीक खोलेगी। सी, शी विल ओपन द बेस्ट ब्यूटीक द सिटी हैड एवर सीन। ब्यूटीक में भी बेस्ट ब्यूटीक खोलेगी जो इस शहर में आज तक वैसा ब्यूटीक किसी ने नहीं देखा हो। या डी, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि वापस लौटते वक्त सोफी जैंसी से बहुत सारी बातें करती हैं, है ना, बहुत सारा, बहुत लंबी बातचीत थी, कन्वर्सेशन बहुत लंबा गया था जब तक सोफी का घर आया था तब तक। तो सोफी जो है वो क्या बताती है, क्या वो घर घर जाकर के पैसा इकट्ठा करेगी अपने सपने को पूरा करने के लिए, क्या ये बताती है बातचीत करते वक्त? क्या वो ये बताती है दैट शी विल ओपन अ ब्यूटीक? यहाँ पे आप को कन्फ्यूज़न होगा कि हाँ ये बात वो बताती है, शी विल ओपन अ ब्यूटीक, ये बात तो वो बताती है। लेकिन फिर सी वाला जब पढ़िएगा, अगर यहीं पर आप डिसीज़न ले लिए तो फिर सी वाला आंसर को नज़रअंदाज कीजिएगा तो दिक्कत है। सी में लिखता है कि वो ऐसा वैसा ब्यूटीक नहीं, शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोलना चाहती थी, ये बता रही थी वो जब जैंसी के साथ रिटर्न हो रही थी अपने घर। तो ये सही आंसर जो है वो सी होना चाहिए, जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सही था, पर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बात में दिया गया। और ख़ास करके ये वाला जो लाइन है, सिटी हैड एवर सीन, तो जो लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, उनको ये सब लाइंस पकड़ में आता है कि ये तो एकदम टेक्स्ट बुक से लिया गया है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था। जब वो बोल रही थी, बातचीत कर रही थी जैंसी से, तो एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे, द सिटी हैड एवर सीन। तो मैं एक ऐसा ब्यूटी खोलूंगी जो इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए ये आंसर सबसे सही है। आंसर तो ये भी सही था, पर ये उससे भी सही है, सबसे ज़्यादा सही आंसर को चुनना है। कभी कभी ऐसा मौका आएगा जब सही रहेगा और कोई उससे ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन सही देगा, तो फिर ज़्यादा वाला जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा अपने आंसर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई डज शी वांट टू बी एन एक्ट्रेस? कौन बनना चाहती थी एक्ट्रेस? सोफी? क्यों पूछा ये क्वेश्चन?
कि सोफी एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती थी। ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। दूसरा टू बी फेमस, नाम कमाने के लिए। तीसरा टू बी अ फैशन डिजाइनर, पैसा कमाएगी फैशन डिजाइनर बनने के लिए, एक्ट्रेस बनेगी फैशन डिजाइनर बनने के लिए। और डी में है टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड ओपन द बेस्ट ब्यूटी। ये भी एग्जाम्पल है उस तरह के क्वेश्चंस का जिसमें मल्टीपल चॉइसेस आपके पास हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखो, टू अर्न मनी, ये तो सही है ना, एक्ट्रेस बन करके वो क्या करना चाहती थी, पैसा कमाना चाहती थी। फिर सेकंड वाला टू बी फेमस, ये भी तो सही है कि सोफी चाहती थी कि वो फेमस हो। सी वाला फैशन डिज़ाइनर, ये भी सही है कि सोफी फैशन डिज़ाइनर बनने के बारे में भी एक बार सोचती है। और डी वाला में क्या है, सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कंप्लीट बात डी में लिखा है। सही सब है लेकिन सबसे ज़्यादा सही जो है वो है डी वाला। तो हमारा आंसर जो है वो डी होना चाहिए। ऐसा सिचुएशंस आएगा आपके पास जब ऑप्शंस जो आंसर दिए रहेंगे उसमें से आपके पास मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे। कुछ कुछ जगह जैसा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये भी सही लगेगा आपको, ये भी सही लगेगा आपको, ये भी सही लगेगा आपको, लेकिन ये जब पढ़िएगा तो ये कंप्लीट लगेगा, इन सब से ज़्यादा सही लगेगा। तो ज़्यादा सही वाला आंसर को चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाई इज जैंसी नॉट एबल टू सपोर्ट सोफीज व्यू? व्हाई वॉज जैंसी, व्हाई इज जैंसी Not able to support Sophie's view? पहले तो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा तुमको कि मतलब क्या निकल रहा है सवाल का। मतलब निकल रहा है कि सोफी का जो व्यू था, व्यू मतलब यहाँ है ड्रीम्स, सोफी का जो व्यूज थे, जो ड्रीम्स थे, जैंसी उनको सपोर्ट नहीं करती थी। ये तो रियलिटी, ये तो फैक्ट है, हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा है कि जैंसी जो है वो डिस्करेज करती है, वो उसको समझाती है। तो यहां पूछा कि व्हाई इज जैंसी नॉट एबल टू सपोर्ट सोफीज व्यू? जैंसी क्यों सोफी के ड्रीम्स को देखने से मना करती है? क्या क्या ऑप्शन है? बिकॉज शी इज अ हैप्पी गो लकी पर्सन, क्योंकि जैंसी जो है वो एक खुशमिजाज लड़की है, हैप्पी गो लकी पर्सन, फ्रेज जैसा यूज होता है, हैप्पी गो लकी पर्सन मतलब खुशमिजाज होना। तो जैंसी इसलिए सपोर्ट नहीं करती है सोफी के व्यू को क्योंकि जैंसी खुशमिजाज लड़की है। या बी में है बिकॉज हर इमेजिनेशन इज पुअर, जैंसी इसलिए सपोर्ट नहीं करती है सोफी को क्योंकि उसका इमेजिनेशन गलत है, पुअर है, खराब है। तीसरा Because she is unable to believe, क्योंकि जैंसी इसलिए सपोर्ट नहीं करती थी क्योंकि जैंसी को ये यकीन नहीं था कि वो जो बोल रही है वो कभी होगा। और चौथा, because
शी इज अ रियलिस्टिक एंड बिलीव्स इन प्रैक्टिकलिटी। ये फिर से एक उदाहरण है जो आपको मल्टीपल चॉइसेस देगा, कंफ्यूजिंग चॉइसेस देगा कि ये भी सही लगता है और ये भी सही लगता है। एक ये सिर्फ आपको गलत लगेगा कि कहीं ये नहीं बताया गया कि जैंसी जो है वो बहुत खुश मिजाज लड़की है, ऐसा कुछ। लेकिन ये इमेजिनेशन पुअर है, ये भी आपको लग सकता है सही है। या बिकॉज शी इज़ अनेबल टू बिलीव, क्योंकि जैंसी को यकीन नहीं हो रहा था इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रही थी, ये भी सही लगेगा आपको। लेकिन इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सही वाला ऑप्शन है, सही में से भी सबसे ज़्यादा सही, और वो ये है कि जैंसी इसलिए सपोर्ट नहीं करती थी सोफ़ी को क्योंकि जैंसी एक रियलिस्टिक लड़की थी और वो प्रैक्टिकल लाइफ जीने में बिलीव करती थी। तो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसमें इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी इन्फॉर्मेशन है, ये तो बिल्कुल गलत ही है। इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये भी सही लग सकता है ना कि सोफ़ी को इसलिए वो मना करती थी, इसलिए सपोर्ट नहीं करती थी क्योंकि उसको यकीन नहीं था कि सोफ़ी जो बोल रही है वो सही है या हो सकता है। ये भी बिल्कुल एक कारण है सपोर्ट नहीं करने का। मगर ये वाला जो कारण है ना, ये इसमें जो लिखा हुआ है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको चुनेंगे जिसमें बताया गया है कि रियलिस्टिक वर्ड आया है और प्रैक्टिकल वर्ड आया है कि सोफ़ी जो है वो जैंसी जो है वो सोफ़ी को इसलिए सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि जैंसी सेंसिबल, जैंसी रियलिस्टिक लड़की है और जैंसी प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करती है, इमेजिनेशन या ड्रीमी वर्ल्ड में रहने में बिलीव नहीं करती है, इसीलिए वो सोफ़ी को सपोर्ट नहीं करती है। दो वर्ड हैं कीवर्ड, क्योंकि जैंसी जो है वो रियलिस्टिक है और सोफ़ी जो है रियलिस्टिक है जैंसी, और दूसरा कि प्रैक्टिकल है। ये दोनों वर्ड्स के वजह से इस आंसर को सबसे सही आंसर बोला गया, रियलिस्टिक होना और प्रैक्टिकल होना। तो आंसर डी है हमारा सबसे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाई डिड सोफी फील चोक्ड इन द हाउस? अब आपको पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए चोक्ड वर्ड का पता होना चाहिए। मतलब चोक्ड वर्ड का मतलब कहाँ से मिलेगा? जब मैं टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा था तो उस समय ये वर्ड आया था टेक्स्ट बुक में या उसका एक्सप्लेनेशन में ये वर्ड आया था चोक। तो चोक का मतलब जो लोग समझेंगे आगे क्वेश्चन वही लोग समझ पाएंगे। चोक्ड का मतलब होता है दम घुटता हुआ महसूस करना, जिसको कि एक्सप्लेनेशन में और उसमें बताया गया था टेक्स्ट बुक में, शी फील्स अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, ये लाइन था बुक में सोफ़ी के लिए। कब? जब सोफ़ी एंटर करती है घर में, ये बड़बड़ाते हुए कि एक दिन जब मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा तो मैं ज़रूर ब्यूटी खोलूँगी, ये बोलते हुए जब अंदर घुसती है घर के तो वहाँ पर का जो कंडीशन था
उसके वजह से सोफी को टाइटनिंग फील होने लगा था अपने थ्रोट पे, मतलब उसको लग रहा था जैसे उसका दम घुट जाएगा अगर वो ज़्यादा देर यहाँ रहेगी। तो ऐसा क्यों था, क्यों उसका दम घुट गया, घुट रहा था वहाँ पर, ये पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं, पहला है बिकॉज ऑफ स्टोव्स स्टीम एंड डर्टी डिशेज, स्टोव जल रहा था और स्टीम हो गया था, पूरा रूम में भाप बन गया था, और डर्टी डिशेज का मतलब हुआ कि ढेर सारे गंदे बर्तन पड़े हुए थे। क्या इस वजह से सोफी वहाँ चोक्ड महसूस करती है? बी लिखा है बिकॉज ऑफ फाउल स्मेल, फाउल स्मेल का मतलब होता है बैड स्मेल। तो क्या सोफी वहाँ के बैड स्मेल के वजह से अपना दम घुटता हुआ महसूस कर रही थी, चोक्ड फील कर रही थी? नेक्स्ट ऑप्शन है बिकॉज ऑफ स्मोक, कि वहाँ बहुत धुआं था, क्या धुआं के वजह से सोफी का दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था? या चौथा ऑप्शन है बिकॉज ऑफ नो एयर, कि वहाँ मतलब हवा नहीं था, हवा था ही नहीं वहाँ, इसीलिए उसको दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था वहाँ पर। इसमें भी आपके पास मल्टीपल आंसर्स होंगे, कंफ्यूजिंग आंसर्स होंगे, अगर आपने टेक्स्ट बुक का लाइंस नहीं पढ़ा है तो। और जो टेक्स्ट बुक का लाइन पढ़ा है, देखा है, सुना है, वो एक बार में इसका सही आंसर बताएगा। और क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, एग्जैक्ट वही वर्ड्स यहाँ किसी ऑप्शन में है, तो उन वर्ड्स को देख करके सही आंसर चुनेगा, और ये वही चुन पाएगा जो टेक्स्ट बुक पढ़ा हो, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। तो फाउल इस, और जो गेस करेगा, कुछ लोग फाउल स्मेल गेस कर देगा कि हाँ ये तो हो सकता है ना कि वहाँ बहुत गंदा स्मेल आ रहा था, इसलिए वहाँ से भाग गई, उसको अपना अनकंफर्टेबल महसूस हुआ गंदे स्मेल के वजह से। किसी किसी को ये भी लग सकता है कि वहाँ पे हवा कम होगा इसीलिए उसको दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। किसी को ये लगेगा कि स्मोक, ज़रूर वहाँ धुआं के वजह से दम उसका घुट रहा होगा। लेकिन जो लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू गए होंगे वो लोग सही आंसर चुनेंगे इसको, बिकॉज ऑफ स्टोव्स स्टीम एंड डर्टी डिशेज। कैसे ये वर्ड यूज किया था वहां, स्टोव और स्टीम टेक्स्ट बुक में यूज किया था, और डर्टी डिशेज भी बताया था। स्टोव वर्ड तभी जान पाएगा जब टेक्स्ट बुक पढ़ा हो, क्योंकि स्टोव चूल्हा को बोलते हैं और ये टेक्स्ट बुक में ही यूज़ किया गया था स्टोव वर्ड, और स्टीम वर्ड भी साथ में था। तो इसलिए वो लोग ज़्यादा सही आंसर्स चुन पाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक के थ्रू स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ा हो। क्योंकि बहुत सारा ऐसा जगह आता है जब आपको टेक्स्ट बुक में यूज़ किए गए वर्ड्स के अनुसार आंसर चुनना पड़ता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ये वर्ड यूज़ हुआ था,
कि वहाँ स्टोव जल रहा था और वहाँ बहुत स्टीम था, और डर्टी डिशेस के बारे में भी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था कि एक कोने में बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हुए थे मदर जो धो रही थी। तो ये जो पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक वो इसको सही आंसर को आसानी से चुन पाएगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।